अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। लास्ट व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम बोट में गए थे, आफ्टर बोट राइड फिर हमने यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट था तो वहाँ पर हमने फूड ट्राई किया था, बहुत मज़े का था। और सबसे पहले तो इन्होंने दो चटनियाँ थी और साथ में एक पापड़ थे, और एक तो आई थिंक इमली की चटनी थी और एक उनकी अपनी कोई स्पाइसी चटनी थी, और उसके साथ पापड़ बहुत मज़े के थे और साथ में फूड वो भी बहुत अच्छा था। तो बस जी, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट में रेडी कर रही थी सबके लिए, तो ये वाला भी बहुत मज़े का बनता है किसी दिन में। वैसे तो सबको ही ये रेसिपी आती होगी तो, लेकिन स्टिल मैं किसी दिन ये शेयर करूँगी, बहुत मज़े का ये चीज़ ऑमलेट और साथ में जी जो टोर्टिया है उसके साथ, या आप फ्रेश जो पराठा है उसके साथ भी ये बना सकते बच्चों के लिए, और लंच में भी दे सकते बच्चों को क्योंकि अभी ऑलमोस्ट स्कूल सबके ओपन ही होने वाले, तो बहुत मज़े का ये ब्रेकफास्ट रेडी होता है। तो बस इसके बाद आज हमने जी जाना था लिंकन पार्क, वहाँ पर भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स है तो वो भी हमने ट्राई करना था। लास्ट टाइम भी हम गए थे और इस दफ़ा फिर हमने सोचा कि वहाँ पर हम जाएं और वहाँ पर जो रेस्टोरेंट बस जो भी हमें अच्छा लगेगा फूड तो हमने बस ट्राई करना था, तो इसलिए थोड़ा सा आज हमने हेवी नाश्ता किया और उसके बाद बस फिर हमने जाने की तैयारी शुरू कर ली थी। यहाँ पर अब हम पहुँच गए थे और जो एक रेस्टोरेंट हमने सर्च किया और वहाँ पर हम गए, लेकिन वहाँ पर एसी नहीं वर्क हो रहा था तो हम यहाँ जी ये मोती रेस्टोरेंट पे आए थे, और यहाँ पर जो इनकी जो समोसा चाट है बहुत मज़े की होती है। लास्ट टाइम भी हमने ट्राई किया था तो हमने सोचा पहले हम ये ट्राई करें, ये समोसा चाट प्लेट बहुत मज़े की थी, और साथ में जी ये पिज़्ज़ा था और ये हलाल पिज़्ज़ा था, और हाफ हमने जी चिकन बारबेक्यू का और हाफ वेजी वाला लिया था, और साथ में जी चिकन विंग्स भी थी। तो बस यहाँ पर हमने फूड इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और इसके बाद हमने थोड़ा सा आउटसाइड वॉक किया, और ये भी नेबरहुड बहुत अच्छा था और काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो जी अब हम घर आए थे ये आफ्टरनून में जी, हमने लंच भी किया था आज आउटसाइड से, और हम लेके आए जी यहाँ रूफ टॉप पे, और वेदर आज का बहुत अच्छा था तो हमने सोचा कि हम आज रूफ टॉप पे चलते और यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा वेदर भी इंजॉय करें। और जब हम हाफ हमने अपना जो डिनर है हम अभी हाफ था तो बस बारिश शुरू हुई थी, लेकिन स्टिल हम यहीं पे बैठे और खूब वेदर को इंजॉय किया। और अभी जी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी जा रहा था तो वो हमने सोचा कि वो भी हम क्लिप बना लें, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर का जो सारा रूफ टॉप है, और बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पर बैठ के। फाइनली जी आज हमारा ब्रेकफास्ट जो मिनी टेबल और साथ में टू चेयर्स थी ये हमने ऑर्डर की हुई थी अमेज़ॉन पे, तो फाइनली ये पैकेज पहुंच गया था और मेरी बेटी यहाँ पर फिक्स कर रही थी, तो ये जितना भी हमारे घर फर्नीचर आता है तो ये मेरी बेटी का ही काम होता है, वही सारी चीज़ें फिक्स कर लेती है। तो आज ही हम जा रहे थे वेकर पार्क, तो यहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स है ब्रांड के और पार्क भी है, और साथ में जी सबसे पहले तो मेरे बच्चों ने जाना था एक बुक शॉप पे, और ये बहुत छोटी सी शॉप है लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, तो यहाँ से मेरे बच्चों ने बुक्स वगैरह भी ली और काफ़ी सारी इन्होंने अपने लिए शॉपिंग की। और आफ्टर देट जी आज लंच में यहाँ पर हलाल जो बर्गर्स है वो भी ट्राई किए, और
और साथ में जी ये फ्राइज़ बहुत मज़े के, तो ये भी हमने ट्राई किया था, बहुत मज़ा आया। और अब जी हम जा रहे थे पार्क, और पार्क में काफ़ी सारा रश था, बहुत सारे बच्चे आए हुए थे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स वगैरह हो रही थी और छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो काफ़ी यहाँ पर रौनक लगी हुई थी। अब जी बस हम घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमने रास्ते में आइसक्रीम भी ट्राई की जो कि बहुत मज़े की थी। आज ही हमने नाइट में मूवी भी वॉच करनी थी जो कि हमारी बहुत फेवरेट है, और हम ज़रूर छुट्टियों में ये वाली मूवी ज़रूर हम वॉच करते, जो कि ये जी कभी खुशी कभी गम, जो कि हम सब की बहुत फेवरेट है। और बस यहाँ पर अब हम बस में बैठे थे और घर की तरफ ही जा रहे थे, और जी नाइट में फिर हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया था क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी, और ये हलाल पिज़्ज़ा था, और साथ में जी ये चिकन विंग्स जो कि बहुत मज़े का पिज़्ज़ा और विंग्स भी बहुत मज़े की थी, और साथ में जो हम मूवी वॉच कर रहे थे तो बहुत ही हमने इंजॉय किया, तो हम तो छुट्टियों में ज़रूर ये मूवी वॉच करते। तो जी यहीं तक था मेरा व्लॉग, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, अल्लाह। उम्र दी होड़ी अड़ी है तू।